बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कीमा की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इधर है मेरे पास एक कढ़ाई, इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप घी। जैसे कि गर्म हो जाए इसके अंदर 2 से 3 अदद चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दूँगी। तो प्याज को ना हमने ज़्यादा जलाना नहीं है। इसका जैसे कलर पिंक हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ। तो लहसुन और प्याज को आप निकाल लेना है एक साथ फ्राई। और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी हम घी में ही बुनाई करेंगे। जैसे ही अच्छी तरह से बुनाई हो जाए इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 kg कीमा डाल के ना। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर ऐड करूँगी 1 स्टिक दालचीनी, 1.5 टेबल स्पून उसके धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ऐड करूँगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल के मिक्स करेंगे। साथ ही ऐड कर दूँगी 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप पानी। पानी डालने से ये होगा कि ये कीमा भी अच्छी तरह से गल जाएगा और टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। कवर कर देंगे ऊपर से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे इसका पानी खुश्क होता है फिर मिलते हैं आपसे। इधर तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, नमक तो ऐड नहीं करूँगी क्योंकि नमक तो मैंने पहले ऐड किया। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। अगर कीमे में सब्ज़ मिर्चें ना डाली जाए तो कीमे का मैं कहती हूँ कोई जायका नहीं। ये ज़रूर ऐड करें सब्ज़ मिर्चें। 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसकी ना मिक्सिंग कर लेंगे। इधर देखें अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। तो इसको ना ऊपर से मैं काट दूँगी कवर। तो मिलते हैं आपसे फिर हम डिश आउट करने के बाद। नीचे की तरफ मज़ेदार सा कीमा कढ़ाई की रेसिपी रेडी है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।